कांग्रेस विधायक के एक कथित रिश्तेदार द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किए जाने के बाद हुई हिंसा को काबू करने के लिए पुलिस की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने इसकी पुष्टि की है। वहीं बेंगलुरु के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ने बताया कि पुलाकेशी नगर में हुई हिंसा मामले में अब तक 145 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार रात शुरू हुई यह हिंसा बुधवार तड़के तक जारी रही। इस दौरान 60 पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए हैं। मंगलवार रात आक्रोशित भीड़ ने एक थाने और कांग्रेस विधायक के आवास में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि दंगों और कानून एवं व्यवस्था में उल्लंघन के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंत ने बताया कि कथित सोशल मीडिया पोस्ट डालने वाले नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा, विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आवास और DJ हाली पुलिस थाने पर हमला और दंगे निंदनीय है। उन्होंने कहा, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए हर संभव कार्रवाई की है। इसी बीच मंगलवार रात को सोशल मीडिया पोस्ट से भड़के सैकड़ों लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और DJ हाली पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। उन्होंने कई पुलिस और निजी वाहनों को आग लगा दी। विधायक मूर्ति और उनकी बहन के सामान के साथ तोड़फोड़ की। एक ATM को भी तहस महस कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे और बाद में गोलियां चलाई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच DJ हाली और KG हाली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं विधायक मूर्ति ने समुदाय के लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की।